नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाते हैं हरा आलू दम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये लाल आलू है, इसको हमने धुल करके अच्छे से बॉईल करना है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है। थोड़ा गर्म हो कढ़ाई तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि कोई भी सब्जी हो, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा जीरा है, साबुत धनिया है और हींग है। इस जीरा और धनिया को थोड़ा सा हम लोग ट्रस कर लेते हैं। ये रहा, मैंने थोड़ा सा जीरा और धनिया को क्रश कर लिया है। अब इसको हम लोग डाल देंगे ऑयल में। ये बॉयल आलू है। आप आलू अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है, अब हम इसमें ये आलू जो है काट करके डाल देंगे। भून रहा है, थोड़ा लाल करना है इसको। तब तक हम इसमें नमक डाल देते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। ये हरा आलू का है तो इसमें हम हल्दी का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कितनी बार हल्दी डाल देने से इसके हरे रंग का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। कितनी बार हल्दी भी डाल देंगे रहना है। नमक इससे पहले डाल दीजिए तो थोड़ा सा आलू में भी जाएगा, क्योंकि बॉयल आलू में आलू भी रहा है। जब तक आलू भून रहा है तब तक इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया है, इसको मैंने धुल करके साफ कर लिया है। हरा आलू दम है तो हरा चीज भी पड़ेगा। ये हरा धनिया, ये हरा लहसुन है, हरे लहसुन टुकड़े हैं कुछ, इसको ले लिए। ये एक थोड़ा सा अदरक है, अदरक आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक टमाटर मैंने लिया है, छोटा टमाटर है, एक टमाटर लिया है। मिर्च है, आप अपने तीखा के अनुसार डालें। मिर्च यदि कम खाना हो तो कम डालें, ज़्यादा खाना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं है, हरी मिर्च है। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। एक तरीके से ये धनिया, हरे धनिया का चटनी ही है जिससे हम हरा आलू दम बनाते हैं। तैयार है, अब इसको हम आलू में मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा आलू बिल्कुल भून करके तैयार है, लाल लाल है थोड़ा। एकदम शुरुआत में डाल देने से इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा आलू भून लिए हैं। आप भी इसी प्रकार बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा खाने में। मसाले को दूसरा कम से मिला दे रहे हैं। ये यहाँ का खास डिश है, सर्दियों के साथ, सलादों के साथ और कुत्ते के साथ में सर्दियों में खास तौर पर बनता है। देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हमें
अपना विचार जरूर कीजिएगा। पानी थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा पानी भी डाल दे रहे हैं। सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें थोड़ा सा, यदि आपके पास अमचूर पाउडर हो तो अमचूर डाल दीजिए, नहीं हो तो आप 1-2 चम्मच लेमन जूस डाल सकते हैं। ये लेमन जूस है, इसको डाल देने से, ये लेमन जूस डालने से इसके हरे रंग का टेक्सचर जो है वो बना रहता है। डाल दिया, इसको मिला देना। फ्लेम जो है धीमे ही करके रखेंगे, तेज करने से ये बहुत जल्दी सूख जाता है। सब्जी हमारी पक गई है, फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, और इस पे हम गार्निश कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा यदि भुना जीरा डाल दिया तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा भुना जीरा। लीजिए, बनारसी स्टाइल में आपका हरा आलू दम तैयार है। इसको टेस्ट करिए और अपने विचार हमें जरूर से भेजिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। थैंक यू।